वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 सिक्स पार्ट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, यहाँ हम जो भी इक्वेशन देखेंगे वह हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, उसके बारे में अध्ययन करना सीखेंगे कि फ्रैक्शंस के इक्वेशन को कैसे हम लीनियर में चेंज करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है सॉल्व एक्स प्लस वन अपान टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री अपान एट। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा दो एक्सप्रेशंस है एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस वन, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स प्लस वन हमारा न्यूमरेटर और टू एक्स प्लस थ्री डिनोमिनेटर है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब इसको हम सोल्यूशन देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज द नॉट अ लीनियर इक्वेशन सिंस द एक्सप्रेशंस ऑन द इट्स LHS इज नॉट अ लीनियर, बट वी कैन पुट इन टू द फार्म ऑफ लीनियर इक्वेशन द मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई इक्वेशन बाई टू एक्स प्लस थ्री। टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपान टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री अपान एट टू एक्स प्लस थ्री। नोटिस दैट टू एक्स प्लस थ्री गेट कैंसल ऑन द LHS। वी हैव देन एक्स प्लस वन इजक्वल टू थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री अपान एट। वी कैन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एट बोथ साइड, देन वी गेट एट एक्स एट प्लस एट इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में टू एक्स प्लस थ्री। अब अगेन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो एट एक्स प्लस एट इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस नाइन। एट एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस एट। एट एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस वन, नाइन माइन में से एट गया वन। अगेन एट एक्स माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू वन। टू एक्स इक्वल टू वन, देयर फोर एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वी कैन चेक इट, इट इज करेक्ट आर इनकरेक्ट। चेक न्यूमरेटर ऑफ LHS एक्स प्लस वन, वन प्लस वन अपान टू प्लस वन इक्वल टू थ्री अपान टू। तो हमारा न्यूमरेटर हो गया थ्री अपान टू। डिनोमिनेटर ऑफ LHS टू एक्स प्लस थ्री, टू इंटू वन अपान टू प्लस थ्री इक्वल टू वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर। अब जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की भाग दे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर थ्री अपान टू डिवाइड बाई फोर, वी गेट थ्री अपान एट। तो हम देख रहे हैं LHS और RHS आर इक्वल, दिस इज द करेक्ट। वी कैन प्रूव इट, चेक भी कर लिया सही है। तो हमने देखा कि इसको कैसे हम एक लीनियर इक्वेशन फ्रैक्शन इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया लीनियर फार्म में। लीनियर फार्म में कन्वर्ट करने के बाद जो पिछली टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा था उसके आधार पे इसको हल करके x की वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज इन द रेशियो 4:5 एट ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6 फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यहाँ कह रहा है अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 8 साल बाद दोनों के आयुओं का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सोल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द अनु एंड राज बी 4x ईयर एंड 5x ईयर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 ईयर अनु एज 4x प्लस 8 ईयर एंड आफ्टर 8 ईयर एज ऑफ राज इज 5x प्लस 8 ईयर्स। देयरफोर द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स इक्वल टू 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8। दिस इज द गिवेन दैट देयर एज रेशियो 5:6, देयरफोर 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 इक्वल टू 5 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई गिवेन 6
ब्रैकेट में 4x + 8 = 5 ब्रैकेट में 5x + 8 और 24x + 48 = 25x + 40 और 24x + 8 = 25x therefore 8x = 25x - 24x therefore 8 = x the value of x is 8 therefore the unknown present age is 4 × 8 = 32 and Raj's present age is 5 × 8 = 40 years तो इस तरह हम लोग इस सोलूशन को कर लिए। तो हमने इस पूरे सोलूशन में यही दिखाया है कि अब इसको हम लोग हिंदी में दोहरा लेते हैं कि मान लिया कि अनुक और राज की वर्तमान आयु जो है 4x और 5x वर्ष है, तो 8 साल बाद अनु की एज जो है 4x + 8 वर्ष हो जाएगी और राज की 5x + 8 वर्ष हो जाएगी और इनका जो है 8 साल बाद आयुओं का अनुपात जो है 4x + 8/5x + 8 हो जाएगा और हमको 8 साल बाद उनके आयुओं का योग अनुपात दिया है 5:6 इसलिए जो है 4x + 8/5x + 8 = 5/6 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 6 ×4x + 8 = 5 × 5x + 8 अब ब्रैकेट हटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा 24x + 48 = 25x + 40 फिर 24x + 48 और 40 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो -48 हो गया बराबर 25x अब 48 में से 40 गया तो हमको बच गया 8 इसलिए हमारा इक्वेशन हो गया 24x + 8 = 25x। अब 24 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो 8 = 25x - 24x हो गया इसलिए 8 = x। अब उनकी वर्तमान आयु कितनी थी अन्नू की 4x तो x की वैल्यू रख दिया तो 4 × 8 = 32 साल और प्रेजेंट एज राजू की हो जाएगी 5x थी तो 5 × 8 = 40 वर्ष। यह हमारा सलूशन रहा। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 2.6। तो इसका पहला प्रश्न सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इसमें दिया है। तो पहला इक्वेशन हम देखते हैं 8x - 3/3x = 2। अब यह हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन पार्ट में है। हमारा न्यूमरेटर है 8x - 3 एंड डिनोमिनेटर है 3x। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए 8x - 3/3x = 2। अब जो है हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8x - 3 = 2 × 3x। अब जो है फिर जो है इसलिए जो है 8x - 3 = 6x और फिर 6 को ट्रांसफ़र कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में 8x - 6 = 3 therefore 2x = 3 hence the x = 3/2 therefore x की वैल्यू जो है 3/2 हो गई। अब हम लोग जो है फिर क्वेश्चन आर पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 9x / 7 - 6x = 15। यहाँ हमारा जो है इस प्रश्न में 9 हमारा न्यूमरेटर है और 9x न्यूमरेटर है और 7 - 6 डिनोमिनेटर है और बराबर 15 है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग 9x / 7 - 6x = 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 9x = 15 (7 - 6x) देयरफॉर 9x = 105 - 90x 9x + 90x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गया प्लस हो गया = 105 therefore 99x = 105 x = 105/99। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है इसलिए x = 35/33।
ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का। हम पुनः एक्सरसाइज पे चलते हैं, हम तीसरा प्रश्न देखते हैं अपना। तीसरा प्रश्न है हमारा जेड अपान जेड प्लस 15 इक्वल टू 4/9। अब इधर हमारा जो है जेड जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जेड प्लस 15 है, इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 9z इक्वल टू 4z इक्वल टू 60। 4z को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, 9z माइनस 4z इक्वल टू 60, तो इधर हो गया 5z इक्वल टू 60। देयर फोर जेड इक्वल टू 60 अपन 5z इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया, वेरी सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा है इक्वेशन चौथा क्वेश्चन 3y + 4/2 - 6y इक्वल टू -2/5। यह इक्वेशन है, इसको यह जो है हमारा रिड्यूस करना है लीनियर फार्म में, तो इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 5 का किसमें 3y + 4 में और -2 का 2 - 6 में, तो हमको मिला 15y + 20 = -4 + 12y। 12y को हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड में और 20 को राइट हैंड साइड में ले गया, तो हमको 15y - 12y = -4 - 20, इसलिए जो है 3y = -24। देयर फोर y = -24/3, तो y = -8, ये y की वैल्यू हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग ब्रेक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7y + 4/2 y + 2 = -4/3। इसका आंसर, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हम लोग 3 का जो है 7y + 4 में और -4 का y + 2 में, तो हमको मिल गया 21y + 12 = -4y - 8। अब हम लोग जो है y को एक तरफ और न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ, तो 21y + 4y = -8 - 12, इसलिए 25y = -20। देयर फोर y = -20/25, देयर फोर y = -4/5। ये आंसर हो गया। अब हम लोग बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 7:5:7 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4 फाइंड देयर एजेज। ये जो है हमारे एग्जाम्पल उसकी तरह ही है। यहाँ कह रहा है कि हमारे हैरी की आयु का जो वर्तमान है वो 5:7 है, अब से 4 साल बाद उनके आयुओं का जो है अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, इसके आंसर को देखते हैं। लेट द एज ऑफ हरी एंड हैरी इज 5x year and 7x year अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4/7x + 4 = 3/4 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 (5x + 4) = 3 (7x + 4). देयर फोर रिमूव द ब्रैकेट, वी गेट 20x + 16 = 21x + 12। अगेन वी कैन टेक द वेरिएबल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट इज राइट हैंड साइड, वी गेट 20x - 21x = 12 - 16, देयर फोर x = -4, देयर फोर x = 4। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ हरी = 5 × 4 = 20 years एंड एज ऑफ हैरी 7 × 4 = 28 years। इस तरह हम लोगों ने यह क्वेश्चन देखा।
क्वेश्चन को जो है स्टेटमेंट को हम लोग जो है अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करके दोनों की एज निकाला। अब हम लोग जो है फिर बैक क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या लिखा है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 17 द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 द नंबर इज ऑप्टेन 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर। यहाँ कह रहा है कि एक हमारा रेशनल नंबर है जिसमें उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 8 अधिक है। यदि हम न्यूमरेटर में 17 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो हमारा नंबर जो है 3/2 हो जाता है। तो हमारा रेशनल नंबर क्या था? तो हम लोग आंसर पे चलते हैं। देखिए मान लेट जो है न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज x, देयर फोर इट्स डिनोमिनेटर x प्लस 8, देयर फोर द रेशनल नंबर x अपान 8x प्लस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 17 अपान x प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 3/2। तो अब इसको हल कर दिया तो हमारा x प्लस 17 अपान x प्लस 7 इक्वल टू 3/2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल टू एक्स 3 इंटू एक्स प्लस 7। रिमूव द ब्रैकेट वी गेट 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 21 इक्वल अगेन वी कैन सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वी टेक द वेरिएबल इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट इन द राइट हैंड साइड। 2x माइनस 3x इक्वल टू 21 इक्वल टू माइनस 34 वी गेट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 13 देयर फोर एक्स इक्वल टू 13। हेंस द आवर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर x अपान x प्लस 8 इक्वल टू 13 अपान 13 प्लस 8 इक्वल टू 13 अपान 21। दिस इज द आंसर। तो इस तरह हम लोग हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। सभी को धन्यवाद। फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे।